सब जानते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक सोशल एनिमल हैं। हम कभी भी अकेले नहीं रह पाते, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की ज़रूरत रहती है। इसलिए हम अपने आस पड़ोस परिवार के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अमेरिका में मैंने देखा कि जब मैंने क्विल्टिंग करनी शुरू करी तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो क्विल्टर्स हैं, द क्विल्टिंग कम्युनिटी है, वो एक हर महीने में अपने एरिया के दे बिकम मेंबर्स ऑफ अ क्विल्टिंग गिल्ड या क्विल्टिंग बी, और वो महीने में 2 से 4 बार मिलते हैं और इकट्ठे कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो ये लोग टेक्नोलॉजी का कितना अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। जैसे आजकल की जो सिलाई मशीन है वो तो लैपटॉप की तरह है, आप कहीं भी ले जा सकते हो उसको, बैग में डाल के, हल्की फुल्की मशीन है। तो क्यों ना हम भी अपने अपने उसमें रिसोर्सेज में और अपने सोशल सर्कल में इकट्ठे हों, मिलें वंस अ वीक और वंस 15 डेज, और अपने आइडियाज़ शेयर करें और एक नई कम्युनिटी बनाएं जिसमें हम टेक्नोलॉजी को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आज आपके लिए एक नया ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हैं हम। इसका नाम है शू फ्लाई। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे और हमने इससे एक योगा मैट बनाई है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये ब्लू कलर पहले यूज़ कर लिया है तो अब मैं ये रेड कलर में बना लेती हूँ। अगेन जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि क्योंकि ये प्रिसिशन चाहिए हमको और ये दो कलर्स जोड़ के हमको 2.5 इंच के स्क्वायर में आना है। 2.5 इंच जिसको मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि तकरीबन पैटर्न, तकरीबन डिज़ाइन जो हैं वो 2.5 इंच के साइज से ही आपको मिलेंगे, तो इसलिए हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि हमने इनको जोड़ के ट्रायंगल्स बना के फिर स्क्वायर बनाना है। इनको अच्छे से तय कर लेना। पहले आप हमेशा कपड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए और उसको लिफ्ट करके देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा 2.5 इंच से बड़ा होगा, तो घबराइए नहीं, हमारे पैटर्न्स के साथ, आपके हमारे किट के साथ ये पैटर्न आएगा, उसमें प्रॉपर डायमेंशंस, डायरेक्शन सब दी हुई हैं। तो ये हम काटेंगे 2.75 इंच, 2.78। अगर आप इस रूलर को देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्टीशंस हैं वो 8 के प्रोपोर्शंस में हैं। इसके लिए इसको 2.78 ऑफ एन इंच के उससे काटा जाएगा। तो 1, 2, 3 से थोड़ा पहले, इस तरह से आप आपके फैब्रिक्स काट लीजिए। एक ये कलर और एक हमने ये कलर काटा है, ये हमारे दोनों फैब्रिक्स तैयार। तो क्योंकि ये हमारे बड़े विड्थ के फैब्रिक्स हैं, हम इनको डबल कर लेते हैं एकदम। आप देखिए हम लाइन से इसको मिला रहे हैं। तो ये वाला मेरा पहले से ही ट्रिम्ड पीस है, अब मैं इसको इसके साथ ट्रिम कर लेती हूँ। हो गया, अब मैं इसको 1, 2, 3 के उसमें सिर्फ, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर बनाना है। ये पहले मैंने स्ट्रिप्स जो काटी हैं वो 2.75 की बिट से काटी हैं, अब मैं उनको स्क्वायर्स के हिसाब से काट लूँ। तो ऐसे आप अपने स्क्वायर्स काट लीजिए। अब इनको हम कैसे बनाएंगे ताकि ये एक स्क्वायर में दो कलर्स कैसे आएंगे, हम वो आपको बताने लगे हैं। आप ये दो अलग स्क्वायर्स इकट्ठे लाएंगे, ये जो सीधी तरफ है, राइट साइड टुगेदर, वो आप अंदर लाएंगे। जब आपके पैटर्न में कभी भी आप पढ़े RST, राइट साइड टुगेदर, उसका ये मतलब होता है कि जो सीधी तरफ है वो अंदर और जो उल्टी तरफ है, द बैक साइड, वो बाहर। और आप एक डायगनल लाइन खींचिए। एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन हो जाती है।
कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमने सिलाई उस लाइन पे नहीं करनी, उस लाइन के क्वार्टर इंच इस तरफ करनी है एक सिलाई और क्वार्टर इंच दूसरी तरफ करनी है। इस तरफ भी क्वार्टर इंच सीम अलाउंस के साथ आप इसको सिल दीजिए। हमारे चेन्स तैयार हो गई हैं, चेन पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ऐसे अलग अलग कर लेंगे, ऐसे छुड़ा लेंगे। और अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, डायगनल लाइन कोने से कोने को, अब हम इसको ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से आप इनको साथ में ट्रिम कर लीजिए। और अब आप देखिए आपका टू कलर डायगनल तैयार है। हमको हर स्टेज पे प्रेस करना है, तो प्रेस करने के लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ये जो पीछे जो सिलाई है, जहाँ पे जोड़ा है, जो सीम है, उसको खोल लें। अगर रेडी टू गो टू द आयरनिंग बोर्ड, हम आयरन करेंगे। ये देखिए जहाँ मैंने खोला है, मैं वहाँ पे प्रेस करूँगी। एक और डिटेल होती है, आप देखिए ये जब आपने इसको जोड़ लिया है और आपने प्रेस कर लिया है, तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स बाहर निकल आ रहे हैं। जो अगर आपके घर में कोई पेट हो, कोई डॉग या कैट हो, तो ये बिल्कुल उसकी तरह, उनके कानों की तरह लगते हैं, डॉग ईयर्स। तो इसके लिए क्विल्टिंग वर्ल्ड में इनको डॉग ईयर्स ही बोलते हैं। तो आप ये डॉग ईयर्स को ट्रिम कर लीजिए। तो अब आप देखिए कि ये हमने चारों कोनों के स्क्वायर्स रेडी कर लिए हैं। अब बाकी के जितने हैं वो, क्योंकि सिंगल कलर हैं, तो हम इनको 2.5 इंच की चौड़ाई से ही काटेंगे। तो ये मैंने एकदम बहुत ध्यान से उसको इकट्ठा कर लिया, और अब मैं सिर्फ 2.5 इंच, तो मेरा जो ये स्केल है, ये 2.5 इंच की विड्थ से है, तो इसके लिए मुझे बस वो स्केल के पट्टे काटने हैं नाप से। इस तरह से आप दोनों कलर्स के 2.5 इंच के विड्स काट लीजिए, जो हमने पहले से रेडी कर लिया है। सैल्वेज ट्रिम, अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने डबल कपड़ा रखा है और मैं इसको भी डबल करके साथ में काट लूंगी। तो अब हम हमारे सारे एक ब्लॉक के पीसेस मेरे सामने हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो सेम प्रिंट है वो इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, आपने वो देखना है इस तरह से, और बीच में फिर वो अंदर आ रहा है। देखिए तो अब हमने ये ब्लॉक हमारा असेंबल कर लिया। अब हम इसको पिन अप करेंगे और इसको सीना शुरू करेंगे। अब आप देखें, मैं आज इसको साथ में करने की कोशिश करूंगी ताकि वो चेन पीस हो जाए। ये देखिए मैंने दूसरा रेडी कर लिया है मेरे हाथ में। बहुत नजदीक कर लिया है, तो बहुत ध्यान से मैं इसको ट्रिम कर दूंगी। कपड़ा नहीं कटना चाहिए, तो द बेस्ट थिंग वुड बी द ब्लेड। इसको मैं जब खोलती हूँ, तो ये मेरे रेडी हो गए। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी रेडी कर दूंगी। As always, प्रेस करेंगे, पीछे से हम अपनी सीम्स खोल लेंगे।
जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। इस तरह से आप कर लीजिए और आपकी ये रेडी आयरन रोज तैयार है। अब इसको हम रोज को अब ज्वाइन करेंगे। ये जो जहाँ पे ये चार कपड़े मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो जिसको हम कहेंगे, उसको एकदम एक्यूरेटली मिला लीजिए। पिन निकालना मत भूलिएगा बिफोर यू रीच आपका वहां, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। देखिए अभी मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने एक्यूरेटली ये तैयार है, जुड़ गया है। और ये स्टेप्स मैंने थोड़े से ऐसे रेडी कर दिए थे, तो आप उसी प्रकार से ये देखिए, ये वही चीज़ है, वही स्टेप है। और अब हम ये तीसरे को भी उसी तरह से इसको यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हर स्टेप पे आपने प्रेस करना है, आपने इसको आयरन करना है उसी तरह से, सीम्स खोल के और फिर उसको आयरन करना है, और ये आपका ब्लॉक तैयार है। अब हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। इसमें अब थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अब ये जो लाइंस हैं, अब या तो आप सब हॉरिजॉन्टल लीजिए या आप ऑल्टरनेट लीजिए, और अगर आप बीच में इनके बॉर्डर्स डालना चाहें जैसे हमने डाला है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा बना हुआ पीस रेडी है, आप देखिए हमने रेड में ये स्ट्राइप्स और ये लिया है बॉर्डर्स में, क्योंकि ये जो प्रिंट है हमें लगा कि ये अंदर काफ़ी सारा हमने यूज़ कर लिया है, ये तो ये दूसरे दो कलर्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। और जो हमारे विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये हमारा ब्लॉक 6 इंच का हो जाता है, तो करीब 6 इंच का जो ब्लॉक है हम उस हिसाब से हमने इसको फैब्रिक को काटा है और हमने इसको जोड़ा है। और हमने क्या किया है कि हमने आधा आधा कर लिया है, हमने इसके सेंटर से, ये जो सेंटर है यहाँ पे, ऐसे हमने इसको प्रेस कर लिया था थोड़ा सा, और हमने ऑल्टरनेट कलर्स दोनों तरफ कर लिए थे, एक तरफ हमने प्लेन या ये जो रेड है प्रिंटेड हमारा, और एक तरफ हमने स्ट्राइप्स कर लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ, हमको वो प्लस का जो सिंबल है वो मिल गया। ये देखिए हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ, उसी तरह से हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ, और हर जगह। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे हमने इसको वो प्लस ले लिया, यहाँ पे ये रेड के साथ ले लिया। और हमने क्या किया था, हमने इसका बॉर्डर भी कंटिन्यूसली ही रेडी कर लिया है। ये जो है ये हमारे छोटे साइड के हैं, आप देखिए यहाँ पे यहाँ के ये बॉर्डर्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, हमारे पैटर्न में आपको ये मिलेगा इसका स्टेप्स। हमने इसको सेंटर में लगाया, ये जो एक्सेस है हमने इसको काट दिया और हम उसके साथ चलते गए। देखिए इस तरह से, आप हमारे दूसरे ट्यूटोरियल्स में देखोगे कि हम कैसे बॉर्डर्स असेंबल करते हैं, तो उसी तरह से फॉलो किया, खाली हमने ये एक डिफरेंट डिटेल बना दी है। अब अगर हम इसको रेगुलर कन्वेंशनल स्टाइल से बॉर्डर लगाएं, जैसे ये वाला है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने चारों तरफ ब्लॉक के स्ट्राइप्स लगा दिए, और ये कॉर्नर स्टोन जहाँ पे ये मीट करता है, मिलता है, उसमें हमने ये रेड कॉर्नर स्टोन लगा दिए। ये हमने कैसे किया है, ये बहुत आसान है। हमने 2.5 इंच, क्योंकि मैंने 2.5 इंच की विड्थ ली है तो मैंने 2.5 इंच लिया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, दिस इज योर क्रिएटिव लाइसेंस, आपको जितना छोटा जितना बड़ा बनाना है बॉर्डर बीच में आप बना सकते हैं। मैंने ये 2.5 के साथ किया है, और ये जो साइज है मेरा फिनिश ब्लॉक का, ये देखिए 6.5 इंच का है ये मेरा फिनिश ब्लॉक। तो क्योंकि अभी इसको सिलना है, तो फाइनल ये 6 इंच का हो जाएगा, 1/4 इंच अभी सिलाई में जाना है, तो अभी ये 6.5 का है, तो मैं इसको 6.5 के साइज से काट लूंगी।
अब आप देखिए मैं क्या करूंगी, मैं ये दोनों साइड में ये स्ट्रिप्स लगा दूंगी, दोनों साइड्स में। तो मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ, दोनों ब्लॉक्स को साइड्स पे पिन अप कर लिया है और अब हम इसको सिल देंगे, सीम टुगेदर कर लेंगे। अब उसी साइड हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये फिनिश होने लगा है, इसको थोड़ा सा आयन कर लेंगे इस स्टेज पे। हम इसको खोल के हम प्रेस कर लेंगे। हमने ये ब्लॉक्स रेडी कर लिए, आयन कर लिए। अगर आप ऐसे तीन रोज बनाना चाहते हैं, जैसे ये है इस मैट में मैं बना रही हूँ 1 2 3, तो हम ये दो, हमने दोनों साइड पे बॉर्डर्स लगा दिए हैं और अब हम इसको सिर्फ बीच में ऐसे रख देंगे। तो अब आप देखिए ये हमको कोई बॉर्डर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको इस साइड से इधर से पिन अप कर लेंगे और दूसरी तरफ से कर लेंगे। अब इसको जो ऐसे आप मल्टीपल रोज बना लीजिए, तो ये जो बीच में हम बॉर्डर लगाएंगे इसको भी हम एक रो की तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कलर्स को पहले थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे सेल्वेज से। अब मैं क्या करूंगी, ये 6.5 इंच की स्ट्रिप्स काट लूंगी ताकि मैं कंटिन्यूस रनिंग बॉर्डर बना लूं इसका। इसमें से हमने कॉर्नर स्टोन्स काटने, आप देखिए ये कॉर्नर स्टोन्स काटने, तो ये 2.5 इंच के स्क्वायर्स हैं। आप इनको भी चेन पीस कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड टुगेदर, सीधी तरफ इकट्ठा कर रही हूँ, राइट साइड टुगेदर। कपड़े से मिलाइए आप, कोने से कोना, जरा भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक साथ इनको करा है, सिल दिया है, चेन पीस कर दिया है। अब हम इनको अलग कर देंगे। अब इससे क्या हुआ है कि मैंने एक एक साइड ये कॉर्नर स्टोन फिक्स कर दिया है और अब मैं इनको ऐसे जोड़ दूंगी। ये देखिए बस मुझे एक एक करना और एक आखिर में एक कॉर्नर स्टोन ऐड करना। राइट साइड टुगेदर, सीधी तरफ अंदर, उल्टी तरफ बाहर। तो ये मैंने लास्ट वाला डाला था स्क्वायर स्ट्रिप के साथ। बॉर्डर तैयार। फिर वही आखिरी चीज, इसको हम एक बार प्रेस कर लेंगे। आफ्टर आइनिंग द बैक, ये जरूरी है कि आप आगे से भी एक बार आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आयन हर स्टेज पे आगे से भी करिए।
और ये देखिए कोने से कोना मिल रहा है। अगर ये मेरी रो रेडी होती तो मैं ये पहले रो करती और फिर ये इसको पिन करके फिक्स कर देती। और हमारे ये बॉर्डर्स जो इसके आगे आपने बॉर्डर लगाना है, जो बायस बाइंडिंग करनी है, फिर ये जो फिनिश करना है जिसको हम क्विल्टिंग कहते हैं, वो सारा आपको आपके मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स में हमेशा मिल ही जाता है। तो आप वहाँ से देख लीजिए, वही कॉन्सेप्ट है। चाहे वो आप एक डबल बेड कवर बनाएं, चाहे आप वो योगा मैट बनाएं, टेक्निक वही है बॉर्डर की, टर्निंग की, तो आप वो उसमें से फॉलो कर सकते हैं। और सिंपली ब्यूटिफुल, वी ट्राई टू गेट फैब्रिक्स, वी गेट देम मेड और वी सोर्स देम के वो सारे चाइल्ड फ्रेंडली हों, उनमें वो एजो फ्री और नैप्थॉल फ्री केमिकल्स होते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारी वेबसाइट simplybeautiful.co.in में मिल जाएंगे।